लोग कहेंगे लाइलाज बीमारी है। मेरे हिसाब न इस बीमारी तो वधिया इलाज का किसी ऑपरचुनिटी नहीं है। जे तुम इस ऑपरचुनिटी नहीं ना अवेल करे यदा मतलब है तोड़ी शायद बहुत ही वही भुल लगी है। ये बीमारी इनसेन तो सेन बनाती है, पागलपन दूर करती है, तुहानू एक नीची पद्धर तो उठा के एक इंसान बनाती है। तुहाडी जिंदगी दे विच तुहानू ये पता लग जाता है कि आम ह्यूमन रेस दे विच रहना कितना इंपॉर्टेंट है। ना कोई विलक्षण बनना, ना कोई यूनीक बनना, ना दुनियादारी दे विच कोई बहुत ज़्यादा उच्चे उच्चे काम करने, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं जिनी ये कह उन्नी इंपॉर्टेंस घट है। हम साढ़े पेशेंट जोड़े आते उन्होंने को चार पाँच चीज़ा रोज़ कंप्लेंट्स रहा। एक वो कहें जी नैगेटिव थॉट्स नहीं हटते, सारा दिन नैगेटिव थॉट्स आई जाते। दूजी गल डर नहीं हटता, ऐ ना हो जाए वो ना हो जाए। तीजा सबर नहीं है। चौथा है कि मैं दसो पहला गरंटी दो की होएगा, मैं गरंटी चाहिए है। गरंटी का मतलब होंगे मैं तसली चाहिए है। हूँ जो मेजर कंप्लेंट्स मैं कह एक नैगेटिव थिंकिंग, एक नैगेटिव मूड्स, एक तसलियाँ। हूँ जोड़ा बंदा तसलियाँ लभन लग पाया तुम देख लो भी वह कि बीमार है। वो सिर्फ अपने फीयर करके ऑपरेट कर रहा है, तो वह तसली ये चाहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालांकि तसली जी देनी है, जोड़ा बंदा लेंदा पाया तसली वह भी बीमार है, जोड़ा बंदा देता पै वह भी बीमार है। वो तो परमात्मा के हाथ है, हाथ कितने है, सानू अपना नहीं पता तो किसी का की कह सकते हैं। सो द ओनली थिंग इन आर हैंड इज़ टू बी ऑन द जॉब ऑल द टाइम एंड यू बी फोकस्ड ऑन द टाइम एंड यू बी ऑनेस्ट ट्रांसपेरेंट एंड यू शुड बी वर्किंग टूवर्ड्स वट एवर जॉब इज़ इन योर हैंड। जो थोड़े को इस वेले काम है बस तुम वो कर सकते हो, इन्ना ही थोड़ा। जे तुम वो करते रहोगे ना कल वो चीज़ा आ जाएगियाँ थोड़े बस आ जाएगियाँ जिड़िया चीज़ा इस वेले बेबसी जी रहे हो। हम साड़ी बेबसी है सानू खुशी नहीं आती, साड़ी बेबसी है साढ़े को नैगेटिव थॉट्स नहीं दूर होंगे, साड़ी बेबसी है सानू बेचैनियाँ चमड़ियाँ रहिंदियाँ, सानू बेबसी है कि सानू डर ने घेरिया है, साड़ी बेबसी है कि शर्मा नाल ही खत्म होए पे हैं, दुनिया की कहेगी। ये सारिया बेबसियाँ हैं। हुण इन सारिया का इलाज है कि तू अपने काम से जुटिया रह, एक दिन वो वाले काम करी जा जिहड़े बस च तेरे हैगे। सवेरे उठन च तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, राती 10 बजे सौन च तो कोई प्रॉब्लम नहीं, रात की रोटी खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं, उठ के सवेरे अपना शरीर थोड़ा जहा हिला हुलू लेना, कोई हलचल च पा देना, उस तो कोई प्रॉब्लम नहीं। लोगों ना लड़ाई झगड़े ना करने, इस तो कोई प्रॉब्लम नहीं। हर एक बंदे नाल खेई जाना ये तो कोई मुल नहीं लगता। बस ये चार काम करने होंगे तो थोड़ा मूड अपलिफ्ट हो जाता। जब थोड़ा मूड अपलिफ्ट हो जाता तो बहुत वड्डियां वड्डियां चीज़ां नज़रअंदाज कर देंगे। जो थोड़ा मूड थड्डे नूं जांदा तो छोटिया छोटिया चीज़ों च मीन मेखियां च पै जांदे, आ क्यों इस तरह क्यों उन्हें क्यों। मतलब आप सारे तुसीं देख लो कि किस चीज़ दे विचों लंघ रहे हैं, तो किते ना किते इहदा सल्यूशन हैगा, पर वो असीं सल्यूशन असली सल्यूशन नहीं सुनना चाहुंदे। असीं किते ना किते कोई बैकग्राउंड दे विच कोई हाले भी किसे ना किसे तसली जां झूठ दे उपर जिंदगी जीना चाहुंदे। जो तुम कहता असली इलाज यह है तो असली इलाज यही है। मैं नहीं कह रहा, अमेरिका की वैबसाइट कह रही है, नाइडा कह रही है, WHO की वैबसाइट कह रही, पढ़ लो तुम गूगल से जाके पढ़ लो किन्ने दिन का इलाज है जी, 100 दिन का इलाज है। उस तो बाद की करना पेगा, 100 दिन फॉलोअप से आना पेगा। उस तो बाद की करना पेगा, हफ्ते बाद एक दिन आना होगा। उस तो बाद की करना पेगा, 15 दिन एक दिन आना होगा। फिर उस तो बाद की करना पेगा, महीने च एक दिन आना होगा। लिखा तो है हुआ, गूगल से सर्च करो कि मैं इस चीज़ तो बीमार हाँ, मैनू केड़ा इलाज मेरे वास्ते बेस्ट ट्रीटमेंट होएगा, किहो जिहा इलाज मैनू कराना चाहिए। तुसी वो कराते हो कि नहीं कराते तो तुहाडी अपनी इच्छा ही है, बट लिखिया तो है ना, साइंस ने लिखिया।